वहाँ हुआ बगिया में अपना पानी की देर रहा अरे कैसे खुली है अब भैया अब आया है हुए भैया देख क्यों रहा वो सारा क्यों बचनिए चला है खटखटाके भैया मां भैया क्यों बचाई रहे तो कहां से आती भी बहवे मां और का गाल आंदो ते उदा चल पर थोड़ा ही जो करो अरे ऐसे चलिया तो हम लोग चल पाए और बात है एक एक आदमी ले लेते जाओ भैया साइड आगे से साइड अभी सर आपने तहसील तरबगंज के जबन नगर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया है सर तो उसमें क्या व्यवस्था है ग्रामीणों के लिए कि क्या किया जा रहा है आज तरबगंज से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं घाघरा नदी के तो तरबगंज में 19 ग्राम पंचायतें बताई जा रही हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और लगभग हमारी जो आबादी हुई है 13,000 के करीब आबादी बाढ़ प्रभावित हुई तो उनको जो शासन से अनुमान्य है राशन किट और डिग्निटी किट ये सभी मुहैया कराई जा रही है इन लोगों को निगरानी करने के लिए हमारी तहसील की टीम और सभी जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होते हैं चिकित्सा विभाग पशु चिकित्सा और इसके अतिरिक्त अन्य विभाग सभी लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं हम लोग आज मैं सीडीओ साहब एसडीएम साहब और सभी तहसील की टीम और विभिन्न विभाग की टीम यहाँ पर आई है इसकी निगरानी कर रहे हैं और जो भी कमी है जो भी राहत उपलब्ध कराई जा सकती है शासन प्रशासन के द्वारा उसकी निगरानी करके हम लोग सभी ये राहत सामग्रियाँ इनको उपलब्ध करा रहे हैं।